सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पा सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेबी गाउन बनाना सिखाऊंगी जो हम अम्ब्रेला कट स्टाइल में बनाएंगे विद जैकेट, जिसके लिए मैंने मेजरमेंट लिया है चेस्ट 22, वेस्ट 20.4, शोल्डर 9 इंच, वेस्ट लेंथ 9 इंच, फुल लेंथ 25 इंच, स्लीव 10 इंच। चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे, वेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे। ये मैं 2 से 3 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ये हमने पेपर लिया है, सबसे पहले हम उसकी ऊपर की चोली कट करेंगे। चोली की लेंथ हमारी है 9 इंच। यहां से हम शोल्डर का हाफ रखेंगे। शोल्डर हमारे 9 इंच है, उसका हमने हाफ रख लिया है 4.5 इंच। यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ भाग प्लस 1 इंच। यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ भाग प्लस 1 इंच। नेक के लिए हम रखेंगे चेस्ट का 12वां भाग। और यहां से भी हम 12वां भाग ही लेंगे। यहाँ पर भी हमने 2 इंच लिया है और यहाँ पर भी हमने 2 इंच लिया है। इसको हम गोलाई में शेप करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पर शेप देंगे। यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई करेंगे। इसको कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए कट कर लिया है। अब हम इसमें घेर कट करेंगे। ये हमारा बचा हुआ पेपर है, इसके हम घेर कट करेंगे। सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह। और यहां से ऊपर से हम अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग प्लस 1/2 इंच रखेंगे। यहां से हम इसको इस तरह लेंगे और जितना हमारा यहाँ पे लाइन पे आ रहा है उतना ही इसको गोल घुमाएंगे और निशान लगा लेंगे। और इस तरह इसकी गोलाई कर लेंगे। यहां से हम अपनी लेंथ लेंगे। हमारी 9 इंच की तो ऊपर की चोली है और हमें टोटल 25 इंच बनाना है गाउन की लेंथ। 16 इंच हम नीचे रखेंगे।
ये हमें यहाँ से लेंथ रखनी है, तो ये हमारी लेंथ यहाँ पर कम हो रही है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बचा है उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने अपना जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बचा है उसको फोल्ड कर लिया है इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। इसी तरह हम फैब्रिक में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा और लेंथ कम होगी तो उसको भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे और अपनी लेंथ खुद भर लेंगे। ये हमारी प्रॉपर लेंथ है क्योंकि हमें 16 रखनी है, तो हमने ये 16 इंच पर निशान लगा लिया है और इसको हम इस तरह घुमाएंगे। इस तरह ये हमारी गोलाई आएगी ऊपर भी और नीचे भी। जो ये हमारा यहाँ का बन साइड का पीस है, यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे लेंगे और उसकी गोलाई यहाँ से करेंगे। ये हमारा इसका इतना घेरा आया है और जो हमारा ज्वाइंट आएगा वो केवल हमारा इतने पोर्शन में आएगा। जो हम गाउन बनाएंगे उसमें हम गैदर डालेंगे, तो गैदर के लिए हमने यहाँ पे फोर्थ भाग लिया है वेस्ट का, उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे जिससे हमारे थोड़े गैदर आ जाए। और जो हम जैकेट बनाएंगे वो हम इसके साइज की बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग फैब्रिक पे कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये सब फैब्रिक लिया है, ये हमने केन केन ली है, ये भी हमने 1 मीटर ली है, अस्तर भी हमने 1 मीटर लिया है, और जिसकी हम गाउन बनाएंगे प्लेन पीस ये भी हमने 1 मीटर लिया है। ये क्योंकि बड़े अर्ज का है, अगर छोटे अर्ज का है तो आप इसमें 1.5 या 1.5 मीटर ले सकते हैं। और इसकी जैकेट बनाएंगे हम, फ्लावर वाली नेट है ये हमारी, ये भी हमने 1.25 मीटर ली है। सबसे पहले हम जो हमारा प्लेन पीस है उसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, इसको डबल किया और इसका तिकोना बना लिया है और नीचे से ज्वाइंट के लिए इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसमें हम घेर में गैदर डालेंगे तो यहाँ से हम थोड़ा ज्यादा लेंगे। यहाँ पे हमने वेस्ट का फोर्थ भाग रखा था तो यहाँ पर हम इसमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे गैदर बनाने के लिए। हमारा 5 था, 5 में हमने ये 9 इंच रखा है। अब हम इसको इसकी गोलाई करेंगे इस टाइप। ये हमारा यहाँ पर 12 इंच पर आ रहा है, 12.5 इंच पर इसको हम इस तरह घुमाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच नीचे लेंगे बंद की साइड, यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों के घेर तैयार हो गए हैं और ये जो हमारा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। इसमें हमारा केवल ये छोटा सा ज्वाइंट आया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम अपनी चोली निकालेंगे।
हमने अपनी ड्राफ्टिंग सेट कर ली है, और ये मैंने बैक पीस के लिए सेट की है। बैक पीस में मैंने यहाँ पे 1 इंच का गला रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बैक साइड हम चेन लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर हम पहले ही अपनी ड्राफ्टिंग में 1 इंच एक्स्ट्रा रख चुके हैं, 1/2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है, इसको हम कट कर लेंगे। जहां पर हमने एक्स्ट्रा रखा है वहां पर हमने कट का निशान लगा दिया है इसको फोल्ड करने के लिए। और ये पीस मैंने जो हमारी ऊपर की गोलाई बची है उसमें से मैंने अपना ये बैक पीस निकाल लिया है। इसी तरह हम अपना ड्राफ्टिंग रख के फ्रंट पीस निकाल लेंगे। ये हमने फ्रंट पीस पे निशान लगा लिए हैं, शोल्डर पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और नेक हमने इसका 2 इंच ही रखा है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने अपनी जो ड्राफ्टिंग कट की थी अम्ब्रेला कट नीचे घेर, और ये मैंने केन केन पर सेट कर दी है, इसको भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। ये हमारा जैकेट वाला फैब्रिक है जो नेट का है और फ्लावर है इसमें, इसका भी जो हम नीचे का घेर रखेंगे वो हमने ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग रखा है, और इसको हम फ्रंट से ओपन रखेंगे। इसको हम इस तरह पहले कट कर लेंगे, बाद में इसकी जो ऊपर की चोली है वो कट करेंगे। जहां पर हमारा ज्वाइंट है वहां पे हमने इसको पिनअप कर दिया है। और ये हमारे दोनों पीस हैं, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये जो हमारा बचा हुआ पीस है इसकी हम ऊपर की चोली कट करेंगे। इसमें हमारी जो ये ड्राफ्टिंग है इसको रखेंगे डबल पीस पर और कट करेंगे। जो हमारा फ्रंट का पीस है वहां पर हम नेक में 1 इंच कम रखेंगे, क्योंकि हम इसमें आगे डोरी लगाएंगे तो उससे थोड़ा जब कम होगा तब वो हमारी डोरी अच्छी लगेगी। पहले हम अपनी ड्राफ्टिंग सेट करेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट के लिए ड्राफ्टिंग सेट कर ली है, जितने हमारी ड्राफ्टिंग है हम सेम कट करेंगे, और इसका नेक हम थोड़ा इससे बड़ा रखेंगे, यानी कि ये हमने 2 इंच कट किया है और नेट में हम 2.5 इंच कट करेंगे। और जो हम बैक साइड कट करेंगे वो भी हम सेम कट करेंगे, लेकिन उसका नेक हम ज्वाइंट की तरफ लेंगे और फ्रंट का नेक हमने ओपन साइड लिया है। जैकेट के लिए हमने फ्रंट और बैक दोनों निकाल लिए हैं, और ये हमने स्लीव्स निकाल ली हैं। इसकी स्लीव्स हमने 11 इंच की रखी है, तैयार हमें 9.5 चाहिए, तो जो फोल्ड होगी वो भी हमने इसमें रख ली है। यहाँ से हमने 6 इंच रखा है, अगर ये एक्स्ट्रा रहा तो इसमें थोड़े गैदर डाल देंगे हम। और यहाँ से हमने ये 2 इंच पर इसकी शेप दी है, यहाँ पर 4.5 इंच पर इसको हम इस तरह कट कर लेंगे। इसी तरह हम स्लीव्स अपने जो हमने गाउन के लिए कट किया है नीचे वाला फैब्रिक उसकी कट करेंगे, और सेम हम अस्तर कट करेंगे। सेम स्लीव्स हम ये वाले फैब्रिक की कट करेंगे। और ये हमारा अस्तर है, अस्तर हम घेर जितना हमने घेर रखा है अपना उतना अस्तर कट करेंगे और चोली के लिए कट करेंगे। ये मेरी प्रॉपर कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमने अपनी ऊपर की चोली तैयार कर ली है, इसमें मैंने फोम लगाई है बीच में, ऊपर अपना फैब्रिक लिया है और नीचे अस्तर सेट किया है। फोम मैंने इसलिए लगाई है कि ये थोड़ी हैवी आप लगेगी देखने में। तो सबसे पहले हम इसकी बैक तैयार करेंगे। बैग में मैंने ये 1/1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। दोनों पीस को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें चेन सेट करेंगे।
ये हमने फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। अब हम अपनी चेन सेट करेंगे। ये हमने चेन ली है, इसको हम दोनों साइड सेट कर देंगे। पहले हम इसको सुई से सेट कर लेंगे इस तरह लेंगे, और एक साइड यहाँ रखेंगे, कच्चा कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपनी चेन सेट कर ली है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, इसको उल्टी साइड से सिलाई लगा देंगे इसमें। इस तरह ही हमारी चेन इसमें सेट हो गई है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। दोनों पीस लेंगे इस तरह। यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉलर लगाएंगे, क्योंकि आजकल विंटर का मौसम है, इसके नीचे स्वेटर वगैरह डाल सकते हैं, इसलिए एक छोटा सा हाई नेक कॉलर लगाएंगे। उसके लिए हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा 12 इंच है, तो 12 इंच का हम कॉलर कट कर लेंगे। ये मैंने 22 ग्रेन की पट्टी निकाली है, यानी कि रेबुआ पट्टी 2 इंच की डबल। तो इसको हम उल्टा करेंगे और एक साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे। इस कॉलर में मैं अंदर बुकरम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है, बुकरम छोटे बच्चे को चुभेगी, इसलिए हमने केवल ये फैब्रिक कट किया है। अब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे पहले। पहले यहाँ से इसको मेजरमेंट लेंगे कितना हमारा आएगा, फिर उसको हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारे यहां तक आएगा, तो यहां पर भी एक सिलाई लगा लेंगे हम। और इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर इसको नेक में हम सेट कर लेंगे। ये इस तरह हमारा कॉलर सेट हो गया है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो हम वहां पर उतनी ही सिलाई लेंगे, 1 1 इंच।
और यहाँ पर हम स्लीव्स लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, इसको मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है। इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। और छोटे बच्चे के हिसाब से यहाँ पर हम 3 इंच या 3.5 इंच की लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम 3.25 इंच रख रहे हैं। और आर्म होल के लिए हम चोली का आर्म होल लेंगे इस तरह, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसको हम अपनी चोली में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह, सीधे साइड डालेंगे अंदर। इसको हम पहले थोड़ा खोल लेंगे, सीधे साइड इसको डालेंगे और इसके ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला देंगे। यहाँ पर और गोलाई में सिलाई लगा देंगे। और इस तरह हमने ये एक साइड की स्लीव्स तैयार कर ली है। इसी तरह हम दूसरी साइड की स्लीव्स भी लगा लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव्स सेट कर ली है। अब हम इसके नीचे के घेर सेट करेंगे। ये मैंने जो नीचे का घेर है हमारा, ये एक्स्ट्रा लिया था, इसमें गैदर डालेंगे हम। तो हमने इसमें सुई से छोटे छोटे टाके लगा लिए हैं और इसके गैदर बना लिए हैं इस तरह। इसी तरह हमने ये केन केन ली है, इसको भी साइड से सिल लिया है। इसको भी हम इसके साथ ही ज्वाइंट करेंगे। और ये अस्तर है, अस्तर में भी हमने सिलाई लगा के इसके गैदर बना लिए हैं। अब इन तीनों चीजों को हम पहले एक साथ ज्वाइंट करेंगे, फिर उसके बाद चोली में ज्वाइंट करेंगे। ये हमने तीनों पीस ज्वाइंट कर लिए हैं। पहले हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, फिर हमने एक केन केन ली है, और ये नीचे हमने अस्तर लिया है। और इन तीनों को हमने यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें अपनी चोली ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी चोली है। जहां से ये हमारा साइड का ज्वाइंट है, साइड के ज्वाइंट से साइड का ज्वाइंट मिलाएंगे चोली का, और इसको गोलाई में सिल देंगे। इसको हम इस तरह रखेंगे, उल्टा करेंगे इसको। और इस तरह अंदर चोली डाल लेंगे इसके। और ये हमारा जॉइंट है चोली का, और इसका हमारा जॉइंट जो है मिला के, और इसको गोलाई में सिल देंगे। ये हमने इसमें घेर ज्वाइंट कर लिए हैं, और ये हमारी गाउन इस तरह आई है। इसको हम लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये हमारी 26 है और हमें ये 25 रखनी है, तो 1 इंच हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा पीस है इसको पहले कट कर लेंगे।
इसमें हमने जॉइंट भी पहले लगा लिया था, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहां से इस तरह लेंगे पहले और फिर इस तरह लेंगे। इसी तरह हम इसको पूरी गोलाई में फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया है और जो अंदर का स्तर है वो भी फोल्ड कर लिया है। और ये मेरे गाउन एकदम रेडी है। अब हम इसकी जैकेट बनाएंगे। जैकेट के लिए जो मैंने चोली कट की है उसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। जो ये फ्रंट पीस है ये हमने आगे से ओपन किया है। इस तरह पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और इसमें साइड की सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम साइड की सिलाई थोड़ी कम लगाएंगे क्योंकि जैकेट है और गाउन के ऊपर आएगी, इसलिए थोड़ी लूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच पर इसके सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी इस तरह आएगी। अब हम इसमें नीचे के घेर ज्वाइंट करेंगे। ये हमने इसके घेर लिए हैं। जो नीचे इसमें ज्वाइंट आएगा पहले हम इसको सिल लेंगे, उसके बाद अपनी चोली में इसके घेर ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमारा ओपन एरिया है इसको हम अपने फ्रंट पीस में ज्वाइंट करेंगे। जैसे कि हमारी चोली हम ओपन रखेंगे उसी तरह हमारे जो ये घेर के पीस हैं ओपन, वो हम यहां से एक पीस इस साइड ज्वाइंट करेंगे और एक पीस इस साइड ज्वाइंट करेंगे। यहां से इस तरह लेंगे और इसको इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। और बीच में जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसमें एक दो गैदर डाल देंगे। तो हम एक पिन पहले यहाँ लगाएंगे इस कोने पर। और एक पिन हम यहाँ लगाएंगे इस कोने पर। और जो हमारा बीच में एक्स्ट्रा है उसके हम गैदर डाल लेंगे। एक प्लेट बीच में ले लेंगे इस तरह, जिससे हमारे तीनों पीस में बराबर एक्स्ट्रा जो हम फैब्रिक लेंगे वो बराबर आ जाए।
इस तरह ही हमने ले लिया है, अब हम इसे सिलाई लगा देंगे। ये हमने घेर ज्वाइंट कर लिया है, अब हम इसको आगे से फोल्ड कर देंगे। इस तरह इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से एक पीस, अपना फ्रंट का एक पीस लेंगे और इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड का फोल्ड कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड से फोल्ड कर ली है, अब हम इसमें नेक नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने नेक के लिए नेट की पट्टी कट कर ली है, अब इसको हम डबल करके नेक पर सेट कर देंगे। यहां से लेंगे हम नेक से और इसको पट्टी को इस तरह डबल करेंगे और नेक से थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पीस रखा है उसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह इसको पूरी पट्टी को अंदर कर देंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। हमने इसका नेक तैयार कर लिया है, अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। ये हमने इसकी स्लीव्स पहले से तैयार की हुई है, जिस तरह हमने इसके नीचे वाले गाउन में लगाई है सेम उसी तरह से हम ये स्लीव्स इसमें सेट कर लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव इसमें सेट कर लिए जैकेट में, अब हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। इसको हम थोड़ा ज्यादा फोल्ड करेंगे क्योंकि ये जो हमारा गाउन है नीचे वाला, उससे थोड़ी सी 1-2 इंच शॉर्ट हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा फोल्ड कर देंगे। पहले हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम दूसरी बार इस तरह फोल्ड करेंगे।
इसी तरह हम ये पूरी फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नीचे से एक बार फोल्ड कर लिया है, अब इसको हम दूसरी बार भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने जैकेट को नीचे से फोल्ड कर लिया है और इसमें ये डोरी भी लगा दी है, और ये जो नीचे का पोर्शन है हमारा, नीचे का गाउन है, उसके ऊपर मैंने ये नेट का गाउन सेट कर दिया है। इसको हम इस तरह यूज करेंगे, यहाँ पर डोरी इसको बांध लेंगे। इस तरह, और ये मेरी गाउन बहुत ही प्यारी बनी है, पार्टी वेयर गाउन है ये बेबी की। और इसका फ्रंट, ये इसका बैक है। हमने जो नेट की जैकेट बनाई है, ये हमने नीचे के गाउन से 2 इंच ऊपर रखी है, जिससे कि इसका गेटअप और ज्यादा आए। इस तरह, और इस तरह ये मेरी गाउन कंप्लीट हो गई है। आप भी इस तरह की गाउन बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।